हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर रवि हिरानी। तो आज हम बात करने वाले हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी GPCR के बारे में। अब तक के पूछे गए CSIR नेट के प्रीवियसली आस्क सारे क्वेश्चन, तो ये मेरी CSIR की नोट्स के बारे में। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं जैसे हम और वीडियो में करते। तो GPCR है क्या? GPCR का अलग अलग नाम देखे तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर और सर्पेंटाइन रिसेप्टर उसको बोलते हैं। GPCR दो चीज से बना है, जी प्रोटीन एंड रिसेप्टर। अगर जी प्रोटीन देखे तो वो क्या है? हिट्रोट्राइमेरिक, जिसमें अल्फा एंड बीटा गामा ज्वाइंट हुए होते हैं। हिट्रो ट्राइमेरिक रिसेप्टर, रिसेप्टर कौन सा है? 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, यानी कि ये देखिए मेम्ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, तो 7 पास यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो इसको बोलते हैं 7 पास। यहाँ पे एन टर्मिनल रहेगा आउटसाइड एंड सी टर्मिनल रहेगा इनसाइड साइटोसोलिक। तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रही है हमारी क्या 7 पास डोमेन, ये है एन टर्मिनल आउटसाइड एंड सी टर्मिनल इनसाइड रहेगा। अगर देखें तो ये बहुत सारा डिजीज में, अगर म्यूटेशन इसमें हो जाए तो बहुत सारा डिजीज से होते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो से का रेगुलेशन है वह सब GPCR मेंटेन करता है। अगर जी प्रोटीन देखें तो जी प्रोटीन GTPase की तरह बिहेव करता है। अगर हम बात करें कि GPR के साथ अगर GDP बाइंड हुआ हुआ होता है गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट, तो वो क्या फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही GTP बाइंड होता है वो हो जाता है एक्टिव, और वो अपना जो सिग्नलिंग कास्केड है वो शुरू कर देता है। ये आपको याद रखना है, GTP यानी एक्टिवेशन, GDP यानी इनएक्टिवेशन। ये देखिए पूरा का पूरा पाथवे है। जब भी वो रेस्टिंग मोड में होता है, जब भी इनएक्टिव होता है, तो यहाँ पे देखिए जी अल्फा बीटा एंड गामा साथ में ट्राइमर बनाते हैं और ऐसे जुड़े रहते हैं और GDP बाउंड रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए लिगांड आया, लिगांड आया तब तो होगा ये एक्टिव। एक्टिव कैसे होगा? GTP आएगा बाइंड होने के लिए, रिप्लेस करेगा किसको? GDP को। और इसकी वजह से जी अल्फा एंड बीटा गामा अलग हो जाएंगे और उसको बोलेंगे हम इफेक्टर्स, और वो अपना अपना क्या करेंगे? सिग्नलिंग कास्केड करेंगे। जैसे ही काम हो जाता है तो क्या आएगा? GTPase, जैसे मैंने बोला था जी अल्फा, वो क्या है? GTPase की तरह बिहेव करता है, तो वो GTP में से एक फॉस्फेट निकाल देगा और क्या बन जाएगा? GDP। और जैसे ही वो GDP बनेगा वो फिर से जुड़ जाएंगे साथ में। फिर से एक बार बोल देता हूँ कि नॉर्मल में क्या होता है, जब दोनों बाउंड रहते हैं यानी कि जी अल्फा एंड बीटा गामा बाउंड रहते हैं, जब GDP होता है तब वो होते हैं इनएक्टिव। लेकिन जैसे ही लिगंड आता है GDP का कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन रिप्लेसमेंट होता है GTP से। जैसे ही GTP के साथ रिप्लेसमेंट हो गया, दोनों हो जाते हैं डिसोसिएट, जी अल्फा एंड जी बीटा गामा, और मेन इफेक्टर कौन है? जी अल्फा। और जैसे ही काम खत्म हो गया, जी अल्फा अपना मेन काम करेगा GTPase का, और ये क्या करेगा? अब रिप्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन GTP में से फॉस्फेट निकल जाएगा और क्या बनेगा? GDP। और फिर से क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, एंड दोनों बाइंड हो जाएंगे। तो चलिए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2016 का। द सेकंड मैसेंजर CAMP सिंथेसाइज बाई एडीनाइल साइक्लेज ट्रांसड्यूस अ वाइड वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल इन वेरियस सेल टाइप्स इन मेमोलियन सेल्स। मोस्ट ऑफ द डाइवर्स इफेक्ट ऑफ CAMP आर मेडिएट थ्रू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए, ऑल्सो कॉल्ड CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PKA इज नॉट करेक्ट। तो PKA के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? अगर हमने सेकेंडरी मैसेंजर पाथवे GPCR का पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है। इनएक्टिवेशन PKA इज अ टेट्रामर कंसिस्टिंग ऑफ टू रेगुलेटरी डोमेन एंड टू कैटालिटिक डोमेन। बिल्कुल सही बात है, ये तो उसके लिए करेक्ट है। ईच आर सब यूनिट बाइंड टू एक्टिव साइट इन अ कैटालिटिक डोमेन एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ कैटालिटिक सब यूनिट। बिल्कुल सही बात है। ईच आर सब यूनिट हैव टू डिस्टिंक्ट CAMP बाइंडिंग साइट एंड बाइंडिंग ऑफ CAMP अकर इन कोऑपरेटिव फैशन। बिल्कुल सही बात है। बात करता हूँ कोऑपरेटिव फैशन। कोऑपरेटिव फैशन किसको बोलते हैं? कि मान लो यहाँ पे दो जगह है बाइंड होने की, जैसे ही एक मॉलिक्यूल बाइंड हुआ तो क्या हो जाएगा? उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करवाने की। यानी कि मान लीजिए अगर 50 मॉलिक्यूल चाहिए एक मॉलिक्यूल बाइंड होने के लिए, लेकिन जैसे ही आया तो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड हो सकता है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिविटी। तो उसको क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल को फेवर करेगा। वो होमो भी हो सकती है और हिट्रो भी हो सकती है। होमो यानी सेम जैसे मॉलिक्यूल, हिट्रो यानी अपने से अलग मॉलिक्यूल की भी कोऑपरेटिविटी हो सकती है। अब लास्ट देखते हैं। बाइंडिंग ऑफ CAMP टू R सब यूनिट कॉजेज अ कन्फर्मेशनल चेंज रिजल्टिंग इन बाइंडिंग टू साइट अदर देन कैटालिटिक साइट कॉजिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ बाइंडिंग ऑफ C सब यूनिट एक्टिवेटिंग इट्स काइनेज एक्टिविटी। बिल्कुल गलत बात है।
क्योंकि जब भी आर एंड सी बैंड वेव होते हैं तब क्या होता है, इनएक्टिवेट होता है। तो ये क्या है, ये आंसर इनकरेक्ट है, इसलिए ये सही आंसर है। जी प्रोटीन का लिंक रिसेप्टर है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंपल बात है कि मैं अभी सिखाया था, 7 पास मेम्ब्रेन डोमेन है। 2011 का सिंपल क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पास मेम्ब्रेन डोमेन है। 2011 का क्वेश्चन है ये। अभी 2016 का जून, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेप्टर एंजाइम इज फॉल्स। अ रिसेप्टर एंजाइम हैज एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, अ ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड इंट्रा सेलुलर कैटालिटिक एंजाइम डोमेन। बिल्कुल सही बात है, ये तो रहेगा ही। मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आर फाउंड इन एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे रिसेप्टर हमें देखने को मिलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जीपीसीआर, बहुत सारे हैं। द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ रिसेप्टर एंजाइम इन्वॉल्व फॉस्फोराइलेशन कास्केड। बिल्कुल फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे। रिसेप्टर एंजाइम इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द इंट्रा सेलुलर जी प्रोटीन। बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पूरा कास्केड चालू होना पड़ता है तभी वो लिंक कर पाते हैं। तो यहाँ पे रहेगा ये गलत है, तो ये रहेगा सही आंसर। अब ये देखें जून 2015 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स नेवर एक्टिवेट द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फॉर सिक्वेस्टिंग Ca+2 रिलीज। यानी Ca+2 के रिलीज के बाद कौन सा जो है वो काम नहीं होगा। इंटरेक्शन ऑफ बाइंडिंग इन स्पर्म रिसेप्टर, बिल्कुल होगा, ये तो काम होगा ही, क्योंकि यही काम एक्रोसोमल रिजेक्शन में होता है। एक्टिवेशन ऑफ फ्रीजेड बाय वॉन्ट, बिल्कुल होगा। कॉर्टिकल रिएक्शन ब्लॉकिंग पॉलीस्पोरम, बिल्कुल उसमें भी कैल्शियम की जरूरत है। तो बचा क्या, डीएनए सिंथेसिस एंड न्यूक्लियर एनोड बैकग्राउंड, ये तो कभी होगा नहीं, इसका रिलेटेडनेस है ही नहीं कैल्शियम के साथ। ये देखिए दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कंसिस्ट द थ्री प्रोटीन सब यूनिट अल्फा बीटा गामा। इन अनस्टिम्युलेटेड स्टेट अल्फा सब यूनिट इज जीटीपी बाउंड एंड जीपीसीआर इज इनएक्टिव। व्हेन जीपीसीआर गेट एक्टिवेटेड इट इज एक्ट लाइक अ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एंड इंड्यूस अल्फा सब यूनिट टू रिलीज इट्स बाउंड जीडीपी अलाउिंग जीटीपी टू बाइंड इट्स प्लेस। इन ऑर्डर टू रेगुलेट जी प्रोटीन एक्टिविटी बाय जीडीपी जीडीपी कंसेंट्रेशन अल्फा सब यूनिट, अभी मैंने बोला था अल्फा सब यूनिट क्या है, जीटीपीएस की तरह बिहेव करता है, तभी वो एक्सचेंज कर पाता है जीटीपी को जीडीपी से, क्योंकि जीटीपी जब होगा तब एक्टिवेट होगा, लेकिन जब भी काम खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन से क्या करेगा, वो उसको क्लीव कर देगा जीटीपीएस की, उसकी एक्टिविटी है। यह 2013 का क्वेश्चन, इन सेल हैविंग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए बाय siRNA टेक्नोलॉजी लीड टू डिमिनिश ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन NCREB प्रोटीन। एडिशन ऑफ CAMP विच इज द सेकंड मैसेंजर विल लीड टू, इसमें कोई भी ट्रांसक्रिप्शन लेवल में चेंज होगा ही नहीं, सिंपल आंसर है। ग्लूकोज इज मोबिलाइज इन मसल व्हेन एपिनेफ्रिन एक्टिवेट जी अल्फाज। इन एक्सपेरिमेंट इन विच मसल सेल वर स्टिम्युलेटेड विथ एपिनेफ्रिन ग्लूकोज मोबिलाइजेशन वर ऑब्जर्व्ड इवन आफ्टर विदड्रॉल ऑफ एपिनेफ्रिन। क्या होगा, सिंपल, क्योंकि इसमें क्या होगा, CMP फॉस्फेट इनहिबिशन होगा, सिंपल थिंग। अब यहाँ पे देखिए, ये है जून 2018 का रिसेंट क्वेश्चन, ये जी प्रोटीन का रिसेप्टर। यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में क्या दिया है, सब सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, नॉलेज दिया है। अब हमें ढूंढना क्या है, जी प्रोटीन में से इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट चीज़ कौन सी है। तो पहला देखिए, GPCR आर लार्ज फैमिली विथ अ कॉमन स्ट्रक्चर 7 मेम्ब्रेन स्पानिंग अल्फा हेलिसेस। बिल्कुल सही बात है, GPCR आर कपल टू ट्राइमर जी प्रोटीन एंड 3 सब यूनिट अल्फा बीटा गामा। बिल्कुल सही बात है, द जी अल्फा सब यूनिट इज अ GTPase स्विच प्रोटीन अल्टरनेट बिटवीन द ऑन स्टेट एंड बाउंड विद द इनएक्टिव ऑन जीडीपी स्टेट। बिल्कुल सही बात है। चौथा देखते हैं, द ऑन फॉर्म गेट बाउंड टू बी एंड गामा सब यूनिट एक्टिवेट मेम्ब्रेन बाउंड इफेक्टर। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऑन स्टेट किसके साथ बाउंड होगा, अल्फा के साथ बाउंड होगा, ना कि बीटा गामा के साथ। रॉन्ग कौन सा है, चौथा वाला रॉन्ग है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेल सीरियल में पूरा फुल फ्लेज वीडियो बनाऊँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं फुल इस पर बनाऊँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।